वेलकम बैक एवरीवन टू माय सेकंड चैनल गाइस। आज दोबारा से हमारे चैनल के ऊपर रैंडम अमेजिंग फैक्ट्स की बारिश हो जाने वाली है गाइस, एंड मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लास्ट वीडियो जब मैंने अपलोड की थी ना इस टॉपिक के ऊपर, भाई साहब मुझे लगा नहीं था कि इतना सारा मजा आएगा उस वीडियो को शूट करके। इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए गाइस अगेन बहुत सारे रैंडम फैक्ट्स लेकर आया हूँ, जिससे तुम लोगों की नॉलेज तो बढ़ेगी पर मजा अलग से आएगा भाई। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं बैन। ऑलराइट गाइस, रैंडम फैक्ट्स दैट यू डिडंट नो अबाउट। ओके, फैक्ट नंबर वन, योर ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली ईटिंग इटसेल्फ। व्हाट? मेरा दिमाग खुद ही को खाए जा रहा है, मतलब इसका क्या मतलब है? हाँ, एक टेंशन के मारे खा रहा है वो अलग बात है, बाकी क्या लिटरली खा रहा है क्या? आपका दिमाग लगातार आपके दिमाग को खा रहा है और ये आपके दिमाग के छोटे छोटे सेल्स को हर एक सेकंड में खाता ही जा रहा है। क्योंकि शुरुआत से अब तक आपका दिमाग इसके 6 से 7 सेल्स तक खा चुका होगा। जी सच में? ये कोई जुमला या जोक नहीं है, ये एक साइंटिफिकली प्रूव स्टेटमेंट है। ऐसे में सवाल उठना जायज है कि इस बीमारी का इलाज संभव है या नहीं। अगर ये एक साइंटिफिकली प्रूफ फैक्ट है तो फिर बुढ़ापे तक तो दिमाग खत्म ही हो जाता होगा। दरअसल यह है एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे साइंस की दुनिया में फैगोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। फैगोसाइटोसिस में ब्रेन सेल्स स्मॉलर डेड सेल्स को बॉडी से रिमूव करने के लिए उन्हें कंज्यूम करती हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, ये फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है बल्कि बहुत ही जरूरी है। घबराने की जरूरत नहीं भाई, एक सेकंड के लिए तो मैं ये सोच रहा था कि भाई मुझे बीमारी है और मेरे को पता ही नहीं है कि मेरी जिंदगी में एक बीमारी हो रखी है। मेरा दिमाग अपने खुद के सेल्स को खा रहा है। बट गाइस जितना मुझे इस चीज के ऊपर नॉलेज है वो ये है कि ये जो फैगोसॉर्स क्या क्या, एक सेकंड को भाई पहले तो मुझे पता होना चाहिए क्या नाम है ये। दरअसल ये है एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे साइंस की दुनिया में फैगोसाइटोसिस के नाम से फैगोसाइटोसिस नाम नहीं मुझे पता था, बट मुझे इतना जरूर आइडिया हो रहा है इस चीज के बारे में जान के कि अपने सेल्स को खाएगा तभी नए सेल्स बनेंगे, शायद से ये हो सकता है। जैसे मुझे एक और चीज के बारे में पता गाइस, वो ये है कि हमारी जो बॉडी है ना वो हमेशा अपने सेल्स वगैरह को ड्रॉप करती रहती है। हमारी जो चमड़ी होती है दिखती नहीं हमको नेकेड आईज से, बट हमारे जो डेड स्किन सेल्स है वो हमेशा झड़ती रहती है ताकि नई स्किन सेल्स पे आती रहे। लाइक ये भी एक फैक्ट है, तो ये भी शायद से उसी रिलेटेड हो सकता है। मैन घबराने की कोई बात नहीं है, ये फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है बल्कि बहुत ही जरूरी है। घबराने की जरूरत है गाइस, ठीक है? जितने भी लोग अभी डर गए थे भाई डरो मत, ये एक नॉर्मल सी चीज है। फैक्ट नंबर 2, लेट्स गो। आई एम सो एक्साइटेड भाई, बहुत मजा आता है यार इस वीडियो में, कसम से इस टाइप की वीडियोस में। अ चिकन वंस लिव्ड फॉर 18 मंथ्स विदाउट अ हेड। एक मुर्गा 1.5 साल तक जिंदा रहा बिना। अरे बाप रे बाप रे बाप, ये क्या देखने को मिल रहा है? Are you sure कि ये सच्ची बात है? क्योंकि मुझे लगता नहीं है 18 महीने तक कैसे जिंदा रह सकता है। How is this possible यार? रोचक कहानी, माइक नाम के मुर्गे का जब गला काट दिया उसके मालिक ने तो वो मरा नहीं बल्कि वहाँ घूमने लगा। ये देखकर उसके मालिक ने उसे एक डिब्बे में बंद कर दिया। अगली सुबह जब उसने देखा तो मुर्गा जिंदा था। ये बात आग की तरह फैल गई। माइक के पास मुंह नहीं था इसीलिए वो उसे एक आई ड्रॉप की मदद से खाना खिलाता था। माइक के कारण उसके मालिक ने बहुत पैसा कमाया और यही लालच माइक की मौत का कारण बना। एक दिन उसका मालिक उसे खाना खिलाना भूल गया और जब उसे याद आया तब बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ तक कि उसके पास वो आई ड्रॉप भी नहीं था क्योंकि वो उसे पिछले शो में भूल आया था। पर माइक 18 महीने तक जिंदा कैसे रहा? कैसे? जब माइक का गला कटा तो उसके गले का नस, दिमाग की नस और यहाँ तक कि एक कान भी सुरक्षित रह गया था। कान? पर उसका कान तो उसकी मुंडी पे होगा ना। ओह माय गॉड ब्रो, ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट था। ये एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट था कि एक मुर्गा जिंदा रहा 18 महीने तक। और लोग कितने लालची होते हैं यार, पहले उसको मार दिया, लाइक उसकी मुंडी काट दी उसको खाने के लिए, ऑफ कोर्स उसका मीट पका के खाना होगा उसको। जब उसने देखा कि तू जिंदा है अभी भी तो बंदे ने पैसे छापने के लिए उसके शोज वगैरह रख दिए। भाई कितने घटिया हो सकते हैं लोग यार, समझ रहे तुम लोग? भाई कोई कदर नहीं है, पहले पालते हैं जानवरों को फिर मार देते हैं यार। बहुत ही ज्यादा सैड फैक्ट था ये वाला बाय द वे। फैक्ट नंबर 3 गाइस, यू कैन एक्चुअली डाई लाफिंग। हंस हंस के? वेट ब्रो, मैंने आज तक सिर्फ ये एक फ्रेज सुना है कि भाई मैं तो मर गया था हंस हंस के, बट क्या ये लिटरली पॉसिबल है? आई डोंट नो, देखते हैं। वजह से हुई मौत सुनने में अजीब लगता है yes? लेकिन सच है। साल 1975 में इंग्लैंड के एलेक्स में चलने 30 मिनट तक लगातार हंस के गवाई जान। ओह माय गॉड, 30 मिनट तक है। फेवरेट टीवी शो द गुडीज देख रहे थे, उसका एक फनी सीन देखकर वो लगातार आधा घंटा तक हंसे, उसके बाद उनका मौत हो गया। कैसे? ने बताया हार्ट फेलियर की वजह से हुई है मौत। बाद में पत्नी ने शो के क्रिएटर को चिट्ठी लिखते हुए कहा, मेरे पति का अंतिम समय को खुशहाल बनाने के लिए आपका शुक्रिया। अरे भाई गाइस, क्या आप भी जरूरत से ज्यादा हंसते हैं तो सतर्क हो जाइए। भाई देखो मेरी अच्छी बात है, मैं जरूर से ज्यादा नहीं हंसता भाई, सच्ची बता रहा हूँ तुम लोगों को। बट आधे घंटे तक हंसा इसके बंदे का हार्ट फेल हो गया यार, हाउ इज दिस पॉसिबल डूड? मतलब मेरे को लगता नहीं है कि मेजोरिटी ऑफ द लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि लगा अगर तुम लोग बहुत ज्यादा हंसोगे तो तुम लोग मर जाओगे यार, मेरे को लगता नहीं ऐसा। हाँ कभी कभी एक्सेप्शन हो सकते हैं, कुछ बंदे इतना ज्यादा हंस जाए, आधा घंटे तो कौन ही हंसता यार एक जोक के ऊपर यार। आई डोंट नो मैन। फैक्ट नंबर 4 प्रेजेंट किया जाए हमारी आंखों के सामने।
आई एम सो एक्साइटेड. देर इज नो सच थिंग एज अ स्ट्रेट लाइन. ना ये झूठ है भाई. स्ट्रेट लाइन होती है, स्केल से हम लोग स्ट्रेट लाइन मारते हैं, ठीक है ना भाई. Did ये गलत you know है. There's no such thing as a straight line. कैसे भाई? Zoom in close enough to anything and you'll spot irregularities. Oh, अरे ऐसे तो हो जाएगा ना भाई. Of course. Beam is slightly curved. अरे भाई अगर तुम लोग जूम करोगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जूम करोगे, आप सपोज करो गाइस तुम लोग ये वाली हमारी एक लाइन है, ठीक है ना. अब ये मैंने एक लाइन खींची, तुम लोगों को दिख रही होगी स्ट्रेट लाइन है, बट अगर मैं इसको गलती से जूम कर पाया, ये रखो यहाँ पे, अगर मैं इसको गाइस गलती से जूम करूंगा तो तुम लोगों को दिखेगा कि एक्चुअल में इररेगुलरिटीज है. इसके एजेस देखो तुम लोग, इसके एजेस सीधे नहीं है, हल्के हल्के कर्व्ड है. तो ये तो होता ही है भाई हमेशा यार. कोई भी स्ट्रेट चीज अगर तुम लोगों को दिख रही है, लाइक सपोज करो कोई लेजर लाइट दिख रही है जो यहाँ पर बताया गया था, अगर तुम लोग इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो करोगे तो उसमें पार्टिकल्स होंगे जो ऐसे से हिल रहे होंगे भाई. ऑफ कोर्स यार, तो वो स्ट्रेट तो नहीं होगा ना यार. इस पर्टिकुलर फैक्ट से मैं 100% एग्री नहीं करता, बट 90% एग्री करता हूं मैं. थोड़ा सा लॉजिकल तो था. फैक्ट नंबर 5, एनिमल्स कैन बी एलर्जिक टू ह्यूम. हैं? व्हाट भाई? ब्रो ये मुझे क्या सुनने को मिल रहा भाई? जानवरों को भी इंसानों से एलर्जी हो सकती है? नो. Scientists recently proved that. Nah. Animals can indeed be allergic to humans. Sach mein? Although it's not very common. Just like humans can be allergic to certain things like pollen, dust, or pet dander, animals can also have allergic reactions to substances they come into contact with. Okay. Including humans. Some animals might be allergic to the proteins found in Bye. Human skin cells, saliva, or even the dander tiny flecks of dead skin that we shed. देखा देखा इसने बोला कि हम लोग जो हमें जो dead cells वगैरह को shed करते हैं ना, हो सकता है कि उससे भी कुछ जानवरों को एलर्जी हो सकती है. बड़े बहुत ही फनी था यार. ओ माय गॉड. सपोज तुम लोगों ने कोई कुत्ता पाला और तुम लोगों से एलर्जी का, तुम लोगों को पता ही नहीं है यार. छी भाई. वेरी अमेजिंग फैक्ट यार. फैक्ट नंबर 6 प्रेजेंट किया जाए. हम लोगों को अपनी आवाज की साउंड पसंद नहीं है. हम लोगों को अपनी खुद की आवाज पसंद नहीं है बिकॉज ऑफ द बोन्स इन योर हेड. हमें खुद की आवाज पसंद नहीं आती एक्चुअल में. ओके व्हाई? दोस्तों क्या आपने कभी अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके सुना है? अगर सुना है तो आपको आपकी रिकॉर्ड की गई आवाज कैसी लगी? बेकार एक्चुअल में. अजीब लगी. अजीब. जानते हैं कि हमें अपनी रिकॉर्ड की गई आवाज अजीब सी क्यों लगती है? दोस्तों जब हम किसी और को बोलते हुए सुनते हैं तो ध्वनि तरंगें हवा के जरिए हमारे कान तक पहुंचती हैं. हाँ? और कान के पर्दे पर कंपन करती हैं. हाँ? और इसके बाद हमारा दिमाग इस कंपन को आवाज में बदल देता है और जिससे हमें ये पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है. Okay. लेकिन जब हम अपनी खुद की आवाज सुन रहे होते हैं तो ये ध्वनि तरंगें हवा के जरिए कानों में पहुंचने के साथ साथ हमारी वोकल कॉर्ड से गुजर कर भी वहां पहुंचती है. तो इस तरह हम अपनी आवाज को दो अलग अलग सोर्स से रिसीव कर रहे होते हैं. एक तो बाहर से हवा के जरिए और दूसरा अंदर से वोकल कॉर्ड के जरिए. लेकिन जब हम अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके सुन रहे होते हैं तो हम एक ही सोर्स से आने वाली आवाज को सुन पाते हैं और ये वाली आवाज हमें उस आवाज से एकदम अलग लगती है जिसे हमें रोज सुनने की आदत होती है. सही बात है. सही बात है. तुम लोगों को पता है गाइस, मैं ना जैसे मान लो मैं अपने घर पे हूँ, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, दूसरे रूम में मेरे मम्मी डैडी है. अब कई बार क्या होता है, मेरी वीडियो अपलोड होती है, मम्मी डैडी मेरी वीडियो चला देते हैं. मुझे लगता है कि भाई मेरी वीडियो को बंद करो. दो चीजों से, एक तो खुद की वीडियो चलाइए सामने अजीब लगता है, सीधी सी बात है, बट दूसरी चीज मुझे हमेशा मेरी आवाज मेरी वीडियोस में अलग लगती है. लाइक अलग है मेरी आवाज, ऐसी फीलिंग आती है मेरे को. अब मुझे फाइनली पता चला कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मैं अभी बोल रहा हूँ अपनी आवाज मेरी डायरेक्ट भी जा रही है कान में और डायरेक्ट जो मेरी ये वोकल कॉर्ड है इसके थ्रू भी आ रही है, इसके थ्रू भी मैं सुन पा रहा हूँ अंदर से और बाहर से, राइट. पर जब मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा तो एक ही सोर्स से आएगी तो वो आवाज अलग फील होती है. एकदम सही बात है भाई. फैक्ट नंबर 7 प्रेजेंट किया जाए. वो काफी अच्छा फैक्ट था. लोग जो कि कुछ भी खाते रहते हैं, कभी भी खाते रहते हैं और वो तब भी पतले रहते हैं, उनका एक्चुअल में स्लो मेटाबॉलिज्म होता है, फास्ट नहीं. ओह, बेसिकली उनका मेटाबॉलिज्म खराब होता है. Did you know that people who eat whatever they want and stay slim have a slow metabolism, not fast? What? A skinny person tends to have less muscle mass than others, meaning their basal metabolic rate, BMR, is lower than those of a high muscle mass. This gives them a slow metabolism, not a fast one. मैं तुम लोग को समझाता हूँ भाई. तुम लोग को पता है, जैसे तुम लोग ये मान के चलो, आज तक लाइक इस वीडियो के जस्ट पहले तक मुझे लगता रहा कि जो लोग बहुत कुछ, मेरे कुछ एक आधे दोस्त ऐसे जो बहुत ज्यादा खाते हैं, इतना खाएंगे बट तभी पतले रहते हैं. और अगर मैं गलती से गए थोड़ा भी ज्यादा खा लेता हूँ ना, मेरा वेट एकदम से गेन हो जाता है. तो मैं सोचता था कि शायद से मेरा मेटाबॉलिज्म खराब है एंड उनका सही है, क्योंकि वो लोग तो मोटे हो ही नहीं रहे भाई. कुछ भी खा सकते हैं, बर्गर 10 बर्गर खा लेंगे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मुझे फर्क पड़ जाता था मेरी बॉडी में. एक्चुअल में उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, मेरा एकदम फास्ट है, मेरा एकदम नॉर्मल है, तभी मेरा वेट गेन हो जाता है. एक टाइम था
जब गाइज मैं ना लाइक आई थिंक मैं कॉलेज से पहले की बात कर रहा हूँ, मैं स्कूल टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं बहुत पतला था, मैं इतना खाता रहा, तुम लोग मान लो मैं ब्रेकफास्ट से 5 चपाती खा रहा हूँ, रात को 5 चपाती खा रहा हूँ, चावल खा रहा हूँ, दिन में 5 चपाती खा रहा हूँ, खाने में ही गेड़ा दी होता रहा, बट स्टिल मैं बहुत ज्यादा पतला था और मुझे लगता था कि मेरा मेटाबॉलिज्म सही है, बट एक्चुअल में वो गलत बात थी। एंड गाइस कॉलेज टाइम में मैंने क्या किया, मैंने जिम ज्वाइन किया, जिम ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, सडनली जो मैं खाना खाता रहा मैं एकदम से मोटा होना स्टार्ट हो गया। तो मैं आप समझाओ कि इसका मतलब क्या है, जिम जाने का मतलब गाइस यहाँ पर ये है कि चाहे मोटा बंदा जाए चाहे पतला बंदा जाए, उससे हमारा मेटाबॉलिज्म जो रेट होता है वो नॉर्मल हो जाता है, जिससे क्या होता है खाना लगता है शरीर को। Oh, I got it. तो अगर तुम लोग बहुत ज्यादा पतले हो ना तो तुम लोग जिम जा सकते हो, जिससे तुम्हारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा एंड उसके बाद तुम लोग भी मोचे हो जाओगे। गाइस दैट वाज अ नाइस फैक्ट यार, अच्छा फैक्ट था, लाइक मारो इस फैक्ट के लिए। फैक्ट नंबर 8% किया जाए, यू कांट फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर मोर देन 8 times। ना जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर 8 बार हर बार बीच से फोल्ड करें तो उसे 8 बार से ज्यादा फोल्ड नहीं किया जा सकता। सच में क्या होगा अगर हम किसी पेपर को 103 बार फोल्ड कर दें, तो एक नॉर्मल पेपर की थिकनेस होती है 0.1 mm, जब इसे पहली बार फोल्ड करते हैं तो इसकी थिकनेस हो जाती है 0.2 mm, दूसरी बार फोल्ड करने पर 0.4 mm और 23 बार फोल्ड करने पर इसकी थिकनेस 1 किलोमीटर के बराबर हो जाएगी। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कैसे हो सकता है, इतना सा पेपर है, 1 किलोमीटर कितना ज्यादा होता है यार। 30 फोल्ड करने पर आप स्पेस में पहुंच जाएंगे और 42 बार फोल्ड करने पर इसकी थिकनेस पृथ्वी से चांद तक की दूरी से भी ज्यादा हो जाती है। 51 फोल्ड करने पर इसकी थिकनेस पृथ्वी से सूरज तक की दूरी के बराबर होती है और फाइनली 103 बार फोल्ड करने पर इसी 1 mm पेपर की थिकनेस इतनी हो जाएगी कि आप इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर चले जाओगे, मतलब कि 3 बिलियन लाइट ईयर्स के बराबर। बाय द वे जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात कर रही है वो वाला यूनिवर्स है भाई, बेसिकली जो हमारा यूनिवर्स है जिसको अभी तक साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर पाए कि इतना तो है हमारा यूनिवर्स, उसके बाहर है कितना है वो पता ही नहीं है, तो ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। तो बोले 103 बार फोल्ड करूंगा एक पेपर को तो भाई साहब वो पेपर हमारा इतना बड़ा हो जाएगा जितना ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। पहली बात तो पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि वो पेपर को कैसे आप इतना बड़ा बना सकते हो। बट ये चीज तो गाइस मुझे सुनी थी शायद से मैंने बहुत पहले कि 8 से ज्यादा बार हम लोग इसको फोल्ड नहीं कर सकते, मैं ट्राई करने वाला हूँ गाइस। ओके गाइस तो पेपर में लेकर आ चुका हूँ, इसको फोल्ड करना स्टार्ट करते हैं। ओके ये हुआ पहला फोल्ड, ये हुआ दूसरा फोल्ड, ये हुआ तीसरा फोल्ड और ये हुआ हमारा चौथा फोल्ड और ये हुआ हमारा पांचवा फोल्ड और ये हुआ हमारा छठा फोल्ड और सातवां तो हो ही नहीं रहा है, सात ना भाई 6 में अटक गया भाई यहाँ से भाई। हाँ 6 हुए मेरे पास तो, क्योंकि थोड़ा मोटा पेपर था, पतला होता तो 8 शायद हो जाते, 800 पर शायद से इम्पॉसिबल था सच में यार। और जैसे मैंने इसको फोल्ड किया एक्चुअल में ये मोटा होता गया भाई, एक्चुअल में ये सही फैक्ट था। फैक्ट नंबर 9% किया जाए, माई गॉड कितनी नॉलेज मिल रही भाई मेरे को, मजा आ रहा है यार। पानी के नीचे सबसे लंबे देर तक सांस किसी इंसान ने अगर रोकी है तो वो रोकी है 24.5 मिनट तक। Sweet God, मैंने 60 सेकंड भी होल्ड नहीं कर सकता हूँ। Oh my God, 24 मिनट, how? That's insane. पागल हो रहा हूँ मैं। Incredible mental and physical training to achieve such a feat. Imagine the focus and control needed to pull that off. What? It's mind blowing what the human body is capable of. Just thinking about it makes me want to challenge myself to push my limits. ना भाई ना 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 ना। 60 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 60 सेकंड, 60 सेकंड। मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर कभी सर्वाइवल सिचुएशन में फंस गया तो शायद मैं 1.5 मिनट तक रोक दूं, पर उससे ज़्यादा तो मैं मर जाऊंगा भाई, सीधी सी बात है। पर 24 मिनट यार, 24 मिनट्स तक अंडर वाटर सांस रोकना, माय गॉड। और मेन बात यह है कि बंदा जिंदा बाहर निकल गया भाई, हैट्स ऑफ टू यू भाई, हैट्स ऑफ टू यू मैन। इसके लिए बहुत ही ज्यादा माइंड की और फिजिकल आपको वो अपने आपको तैयार करना पड़ेगा, मतलब है ना बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है। फैक्ट नंबर 10 आज का आखिरी फैक्ट है गाइस हमारे, लाइक मारो गाइस, लाइक मारो। ओके देयर इज अ प्लैनेट मोस्टली मेड ऑफ डायमंड्स, ब्रह्मांड बेइंतहाई रहस्यमय चीजों से भरा पड़ा है। सच में कैसे ही रहस्यमय प्लैनेट यानी ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में सुनकर आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन हमारे यूनिवर्स में एक ऐसा प्लैनेट है जो प्योर हीरे का बना हुआ है। ओह माय गॉड, प्योर डायमंड। इस प्लैनेट का नाम 55 कैनकरी ई है। इसकी खोज वैज्ञानिक द्वारा 2004 में ही कर दी गई थी और ये हमारे पृथ्वी से 40 लाइट ईयर्स की दूरी पे। ओह माय गॉड, 40 लाइट ईयर्स यार, 40 लाइट कितना ज्यादा होता है 40 लाइट ईयर्स। ये डायमंड का इसलिए बना हुआ है क्योंकि इस प्लैनेट का 1/3 मास कार्बन से भरा पड़ा है और क्योंकि ये अपने सूरज के बेहद करीब है, इसलिए बेइंतहाई हीट और प्रेशर के कारण ये डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आप जानते ही होंगे, इसके इस खूबी की वजह से इसको डायमंड प्लैनेट भी कहा जाता है। और अगर आपको इसका मैं टोटल कॉस्ट बताऊं तो ये अराउंड $30 नॉनिलियन डॉलर होगा,
$39 million तो पहली बार सुने इतना पैसा। 30 के बाद 30 और जीरो लगा दीजिए आप। ओह माय गॉड, 30 के बाद 30 और, ओह शिट डूड, भगवान जी इस प्लेनेट का राजा बना दो मेरे को आप, है ना, ज्यादा कुछ नीचे मेरे को जिंदगी में, इस प्लेनेट का राजा बन जाऊंगा तो $39 million का मालिक बन जाऊंगा। खैर ये ऐसे फालतू की ड्रीम नहीं गाइस मेरे जिंदगी के, बट ये बहुत ही तगड़ा फैक्ट था गाइस। एक ऐसा भी प्लेनेट है इस ब्रह्मांड में जहाँ जो पूरा पूरा डायमंड का बना हुआ था, ऑफकोर्स ऐसा भी होगा जो हीरे का बना, अभी हीरा क्या बोल रहा है यार मैं, गोल्ड का बना हुआ है, हो सकता है एमरल्ड वाला भी हो जाए, हो सकता है एक ऐसा ब्रह्मांड हो इस दुनिया के अंदर जिसका एक ऐसा प्लेनेट हो जहाँ पे स्मार्टी पर राजा हो भाई उस पूरे प्लेनेट का। सोचो तुम लोग यार वो क्या ही प्लेनेट होगा जहाँ पर मैं राजा बनूंगा, कितनी खुशी की बात होगी भाई उन सभी लोगों के लिए, है ना, कितने अच्छे काम करूंगा मैं वहाँ पे। खैर ये सब छोड़ो गाइस, अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं मिलता तुम लोगों से ऐसे धांसुधांस वीडियो में जहाँ पर मैं ऐसे और बहुत तगड़े फैक्ट्स लेकर आने वाला गाइस। सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत मजा आएगा तुम लोगों को, मेरी गारंटी है इस बात की। सो या गाइस मिलते हैं तुम लोगों को ऐसे धांसुधांस वीडियो में, तब तक स्टे ऑसम गाइस, बाय बाय।